प्लेट ऑफ फ्रूट अ डे कीप डिजीजेस अवे। हमें मालूम है कि फ्रूट्स में बहुत सारा मिनरल, विटामिन, फाइबर, हर चीज होता है और डॉक्टर अक्सर हमें एडवाइस करते हैं कि प्लीज फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, अपने जो डेली कैलोरीज है वो फ्रूट से इनटेक करें। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सही तरीका क्या है फ्रूट खाने का। हम कुछ ऐसी अक्सर गलतियां करते हैं जिससे हमें 100% बेनिफिट जो फ्रूट से हमारी हेल्थ को मिलना चाहिए वो हम नहीं पा पाते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपको फ्रूट कंज्यूम करना है, राइट वे ऑफ ईटिंग फ्रूट। मायसेल्फ डॉक्टर अजरा एहतिशाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सही तरीका क्या है फ्रूट्स खाने का। जो भी फ्रूट्स आप स्किन के साथ खा सकते हैं कोशिश करें उसको स्किन के साथ खाएं, क्योंकि जब हम स्किन पील कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो 50% ऑफ न्यूट्रिशन हमारे फ्रूट्स का खत्म हो जाता है और हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर बनाना, मैंगो जिसका नेसेसरी है वो तो निकालना ही आपको, लेकिन एप्पल, पेयर या हम डायरेक्ट खा सकते हैं वॉश करके, तो इसे आप डायरेक्ट कंज्यूम करने की कोशिश करें। जब भी फ्रूट्स का आप इनटेक करें उसे थरो वॉश करें। आजकल पेस्टिसाइड से पके होते हैं फ्रूट्स, इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन, काफी सारे जर्म्स फ्रूट्स पे होते हैं और हम उसको थरो वॉश नहीं करते, बस टैप के नीचे ऐसे घुमाकर और खा लेते हैं। इससे हमारी हेल्थ को इफेक्ट होता है, हमें इन्फेक्शन होता है। तो कोशिश करें कि जैसे ग्रेप्स हो गए, छोटे छोटे फ्रूट्स हम अच्छे से वॉश नहीं कर पाते, तो उसे थोड़ा सा वार्म वाटर लें और उसमें कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दें। उसके बाद निकालने के बाद डायरेक्ट कंज्यूम ना करें, उसे रूम टेम्परेचर पे होने दें क्योंकि हमने उसे गर्म पानी में डाला है, उसके बाद आप उसे कंज्यूम करें। नेवर ईट फ्रूट अलोंग अ मील, ये नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है। खाने के साथ आपको फ्रूट नहीं खाना है। लोग हम देखते हैं जो हमारे बड़े हैं वो वाटरमेलन या मस्कमेलन साथ में फ्रूट खाने के खा लेते हैं फ्रूट्स, तो वो गलत चीज है। कोशिश करें खाने के 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में बहुत सारा फाइबर होता है, तो जब आप उसे खाने के साथ खाते हैं तो फाइबर के वजह से अपने खाने का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। फाइबर के वजह से आपका पेट भी बहुत फुल रहता है, इसीलिए आप प्रॉपर खाना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कोशिश करें कि मील के साथ आप फ्रूट्स अवॉइड करें। जूसेस, हम फ्रूट्स के जगह डायरेक्ट फ्रूट ना खाकर हम जूसेस का इंटेक करते हैं, वो आपको मिनिमाइज करना है, बहुत कम कर दें। रेयर सिचुएशन में आप जूस पिएं, क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जूसेस जब डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए आप कोशिश करें कि जूस नहीं, डायरेक्ट फ्रूट खाएं और उसे बहुत देर तक च्यू करें, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करें, उसको बहुत चबाएं और फिर उसका इंटेक करें। वो ज़्यादा हेल्दी है, आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा फ्रूट का, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। जूसेस से हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए इसको आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको रेफ्रिजरेटेड फ्रूट नहीं खाना है। आज इतनी गर्मी है कि जो भी फ्रूट्स आते हैं हम उसे पहले फ्रिज में डाल देते हैं, बाद में ठंडा इंटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत बात है। हमारे बॉडी में ठंडी चीज़ जब जाती है या ठंडा फ्रूट्स जब जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और उसका टेक्सचर खराब हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन हाफ हो जाता है। इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो कोशिश करें कि फ्रूट्स को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर खाएं। अगर फ्रिज में डालना ही है कि ख़राब हो रहा है, ऐसी कोई परेशानी है, तो उसको 2 घंटे पहले आप बाहर निकाल कर रख दें, जब वो नॉर्मलाइज हो जाए तब उसका इनटेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू ईट फ्रूट, लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी फ्रूट्स खा सकते हैं, वो हेल्दी है, उसमें मिनरल, फाइबर, विटामिन सब कुछ मिलता है। लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि रात के समय ज़्यादा फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि हम वो बहुत सारा फाइबर कंटेन करता है और हमारा पेट एकदम फुल कर देता है। रात में हमें डाइजेशन होने के बाद अच्छे से सोने, नींद नहीं आती है, इसीलिए फ्रूट्स को आप कोशिश करें कि जल्दी खाएं, 6 बजे के पहले खा लें। अगर खाते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है फ्रूट्स का, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच या लंच और डिनर के बीच में फ्रूट खाएं, ताकि आपका ओवर ईटिंग से बच जाए। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमारा टमी ऑलरेडी फुल हो चुका होता है, तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो थोड़ा ही इनटेक होता है और हमारा ओवर ईटिंग से हम बच जाते हैं।
तो इसीलिए अगर आप डाइट कर रहे हैं या आपको कोई डिजीज है तो कोशिश करें कि फ्रूट्स मील के बीच वाले टाइम में खाएं, ताकि आपको उसके बेनिफिट मिले और आप हेल्दी रहें। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सारे हेल्थ टिप्स से आप अपडेटेड रहें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, एज योर हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। थैंक यू।